स्वागत है आप सभी के सभी लोगों का फिर से हमारे एक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर बुलेट ट्रेन के बिल्कुल ताजे चमचमाते लप लपाते अपने इस भीती यमुना में। और फाइनली वो दिन समय महीना तारीख सुकाल सुनिश्चिति आ गई कि जब मेरी आईडी के ऊपर भी 6K का एक बढ़िया सा ठप्पा लग गया है। क्योंकि भाई साहब देख रहा था काफी दिनों से सब लोग नूब 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 स्पैम करते हुए चले जा रहे थे। अब कोई भी बंदा नूब स्पैम नहीं करेगा। अब महानूब स्पैम कर सकता है लेकिन नूब नहीं। और शायद हो सकता है कि आप लोग अपने चील की निगाहों से देख पा रहे होंगे कि ये जो आईडी है उसमें ATB, ATB मतलब कि ऑल टाइम बेस्ट, इसका 6038 हो चुका है। कुछ खास ATB नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है भाई साहब। और देखा जाए अभी इस टाइम करेंट टाइम पर लोकल इंडिया रैंक नंबर 8 पर बैठा हुआ हूँ। और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो अपने चील की निगाहों से, ये है 2 दिन पुरानी। वैसे कुछ खास ATB तो नहीं है, बट भैया क्या करें, अपना डिफेंस, हीरो, पेट, ये सब चीज़ें अभी मैक्स नहीं हुई है, जिसके वजह से ऊपर जब आप लोग आओगे 5.8 के बाद तो रगड़ रगड़ कर घसीट घसीट कर डिफेंस जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारते हैं। 280, 290, 300 तक क्रॉस हो जाता है डिफेंस। इतना ज़्यादा डिफेंस जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस टाइम पर स्पैम वाली आर्मी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से ट्रेंडिंग पर आ चुकी है। ये जो ड्रैगन राइडर आया है वो बहुत ही ज़्यादा OP वर्क कर रहा है, और सभी के सभी बंदे, जितना उनका अटैक अच्छा जा रहा है उतना ही खतरनाक तरीके से उनका डिफेंस भी जा रहा है। और इसी के वजह से अगर आप लोग ग्लोबल रैंक 1 बंदे का ट्रॉफी देखोगे तो वो 6.5 या फिर 6.6 तक पूरा सीजन एंड करेगा, क्योंकि जितना अच्छा अटैक उतना अच्छा डिफेंस, दोनों के दोनों लगे पड़े हुए हैं। बट अपना भी ठीक ठाक है भाई, इस सीजन बढ़िया 6K ID टच हो गई। अब 6K ID देखने में थोड़ा अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, सुशील लगती है, सुकन्या सुलज्जित टाइप की लगती है। वैसे 6K टच करना इतना भी सिंपल नहीं रहता है, बट इस सीजन काफी सारे लोगों ने 6K टच किया है, उनमें से एक मेरा भी नाम गिना चुना जाएगा। अब चलिए, 6K ID टच हो चुकी है तो 1, 2, आधा, सवा, पौने, 3.5 टाइप का अटैक भी देख लिया जाए। ये जो बेस है, इस बेस पर जब मैं अटैक करने लगा था मुझे तो लगा भैया 1 स्टार वो भी गंदा वाला फेल जाने वाला है, लेकिन तुम्हारा भाई जानते हो भैया बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का बंदा है। अचानक से समय बदल दिया, जज्बात बदल दिया इस बेस का। यहाँ पर ऊपर साइड से स्पैम वाली आर्मी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है स्पैम, तो स्पैम आर्मी के साथ एंट्री मारा, बुढ़वा वार्डन की एबिलिटी को दिया, बीबी पीछे से छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरी बीबी हमेशा मुझे धोखा देती है। बीबी ने इसलिए धोखा दिया क्योंकि यहीं पर आ गए थे टोर्नेडो चाचा। अब टोर्नेडो चाचा और बीबी के बीच थोड़ा सा समझौता नहीं हो पाया और पहले ही वो फूट गई, जिसकी वजह से मुझे 2 फ्रिज स्पेल और फिर उसी के साथ थर्ड वाला भी फ्रिज स्पेल को यूज करना पड़ा। 3 फ्रिज स्पेल सिर्फ और सिर्फ टाउन हॉल के ही पास, जिससे कि वो निकल जाए। अब इसको देख करके मेरी तो हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी कि अगर टाउन हॉल नहीं निकल पाता तो 1 स्टार जाता और देखने में ये बहुत ज्यादा बुरा सा लगता। और जैसे ही टाउन हॉल निकल गया तो यहीं पर करते हैं हम लोग वीडियो को समाप्त। तो मिलते हैं हम सभी लोग अपने अगले चगले पकड़े तगड़े टाइप के वीडियो में। ये वाला अटैक पूरा दिखा करके तभी वीडियो को बंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो टन से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फन से लाइक कर दीजिए। तो टन और फन के साथ मिलते हैं हम सभी लोग अपने अगले चगले पकड़े टाइप के वीडियो में। ये सिंगल इन्फर्नो क्या उखाड़ पाएगा भाई, सब कुछ खत्म हो गया है यहाँ पर। रगड़ रगड़ कर बेस को मारने की निंजा टेक्निक है ये। वैसे निंजा टेक्निक कुछ नहीं होता है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो रगड़ रगड़ कर घसीट घसीट कर मारेंगे। तो चलिए चलता हूँ, बाय बाय। जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी, वो मेरी शूटर, मेरा नशा, मेरी घास थी वो। मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली, वो दिखती माधुरी।